असलम व्यूवर्स वेलकम टू दी कंट्री स्कूल वाल्टन ब्रांच यूट्यूब चैनल बिफोर स्टार्टिंग वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बाई बइक बटन फॉर न्यू अपडेट बुक इस्लामिया फिरोजन चैप्टर नंबर फोर्टीन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लाम फर्स्ट टॉपिक इज़ हज़रत इब्राहिम सबक नंबर चौदह है इस्लाम की बहुत खास शख्सियात के बारे में इसमें बताया जाएगा हज़रत इब्राहिम इसके पहले टॉपिक हैं आए रीडिंग की तरफ हम चलते हैं रीडिंग देखिए लॉन्ग एज देर लिव्ड इन ईरान अ मैन कार्ड अज़हर हो यूज टू मेक आइडिया एंड सेल दैम बहुत साल पहले ईरान में एक शख्स रहता था एक आदमी रहता था जिसे अजहर कहते थे जो बुत बेचता और बनाता और बेचता था दिस आइडियल वेयर कीप इन आ टेम्पल वेयर द पीपल यूज टू वर्शिप दैम इन बुतों को एक टेम्पल मतलब के एक बहुत बड़े मज़ार टाइप होते हैं बहुत बड़े किले भी कह सकते हैं उनमें रखा जाता था और उनकी इबादत की जाती है अजहर हैड अ सन कॉल्ड इब्राहिम अजहर किन के बेटे थे इब्राहिम के एस इब्राहिम ग्रेव अप ही बिगेन टू रियलाइज दैट आइडियल कुड नॉट हेल्प एनीवन एंड सो इट वाज नो अजहर जो थे उनका एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था जैसे ही इब्राहिम बड़े होते गए उन्हें एहसास होता गया कि ये बुत उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो हमें इसकी इबादत करने की कोई जरूरत नहीं इट वॉज स्ट्रेंज फॉर हिम टू सी पीपल बोइंग डाउन बिफोर आइडियल डेट कुल न मूव नोर टार्क अब उनके लिए बहुत हैरत अंगेज था कि वो लोग बुतों के आगे झुकते थे जबकि वो ना मूव कर सकते थे बुत और ना बोल सकते थे जरत इब्राहिम वर्शिप सच पावरलेस statues. हजरत इब्राहिम हैरान थे वंडरिंग थे कि ये लोग ऐसे पावरलेस स्टैचू के सामने बुद्ध के सामने क्यों झुकते हैं ही once asked द फादर why ही worship आइडियल which could नेदर स्पीक nor hear. उन्होंने अपने वाले से कहा ये क्यों बुतों के आगे झुकते हैं जबकि वो उनकी पूजा करते हैं जबकि वो बोल भी नहीं सकते और ना ही उनको सुन सकते अजहर बिकम एंगर एंड वार्निड हि सन नॉट टू आस्क सच क्वेश्चन अजहर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद उन पर गुस्सा हुए उन्हें कहा अब आप कोई सवाल नहीं करेंगे वंस वेन द वे आर बिजी सेलिब्रेटिंग आ फेस्टिवल हजरत इब्राहिम टेम्पल एंड आइडियल एक्सेप्ट द बिगेस्ट वन एक दिन जब लोग सेलिब्रेशन कर रहे मतलब के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे हजरत इब्राहिम तैयारियां कर रहे थे कोई उनका फेस्टिवल होगा त्योहार होगा तो उन्होंने हजरत इब्राहिम ने क्या किया वो टेम्पल के अंदर गए उनका जो मंदिर होता था उसके अंदर गए और सारे बुतों को तोड़ दिए यहाँ तक कि उनका जो सबसे बड़ा बुत था उसको भी तोड़ दिया। When the people come to the temple, they saw their broken idols. They were shocked and angry. जब लोग अपने मंदिर के अंदर आए उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं वो हैरान हुए और गुस्से में आ गए। They at once thought thought of Hazrat Ibrahim who taking डिसक्टफुल अबाउट द आइडियल्स उन्हें सिर्फ यही सोच में आ रहा था कि हज़रत इब्राहिम का काम है क्योंकि वो बुतों की के अगेंस्ट थे वो उनकी इबादत नहीं करते थे बेइज्जती करते थे बुतों की दे आस्ट हिम हु ब्रोकन द आइडियल्स उन्होंने कहा किसने ये बुत तोड़े हज़रत इब्राहिम रिप्लाइड उन्होंने हज़रत इब्राहिम से पूछा था कि किसने ये बुत तोड़े ही रिप्लाइड आस्ट द गेस्ट आइडियल पूछू अपने बड़े बुद्ध से दे सेड ओ इब्राहिम डोंट यू नो दैट द आइडियल कुड नॉट टॉक उन्होंने कहा इब्राहिम क्या तुम नहीं जानते कि बुद्ध नहीं बोल सकते हज़रत इब्राहिम आज देन वाई डू यू शॉर शिव तो तुम क्यों इसकी पूजा करते हो नाउ वी डू ही इज बिलीविंग इन वन इन वन अन सीन गॉड आपने एक uh... जो खुदा नजर नहीं आता था उन पे यकीन रखना शुरू कर दिया है कि मेरा खुदा मुझे नज़र नहीं आ सकता ही वॉज अ गुड मैन हु अल्लाह इट टू द हिज प्रॉफिट एट मैनी प्लेस इन द होली कुरान अल्लाह हैज टोल हज़रत मोहम्मद टू फॉलो फॉलो द फेथ ऑफ हज़रत इब्राहिम हु वाज अ ट्रू बिलीवर एंड वॉज कॉल्ड खलील फ्रेंड अल्लाह फ्रेंड हजरत आप एक बहुत अच्छे इंसान बने और अल्लाह के पैगंबर थे और कुरने पाक में काफी मकामान पर हजरत इब्राहिम का जिक्र है जिस पर जहाँ अल्लाह सॉरी हज़रत मोहम्मद को ताकीद की गई थी कि आप हज़रत इब्राहिम की तरह यकीन रखें उन्हें ख़िताब दिया गया था हज़रत इब्राहिम को खलील के दोस्त का हज़रत इब्राहिम लेफ्ट ईरान ही एंड वन टू दिज फाइव लेटर हज़रत इब्राहिम हज़रत इब्राहिम वाज अर ओल्ड मैन एंड हैड नो चाइल्ड ही प्रेय टू गिव हिम अ चाइल्ड Allah answered that he spread and a son Hazrat Ismail was born from his wife Hazrat Hajra. When Hazrat Ismail was born to the Hazrat Hajra, Sara said said that she had no child children of her own. Allah. Uh, अड्रेड हज़रत इब्राहिम टू टेक हज़रत हाजरा एंड हज़रत इसमाइल टू डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ लीज दम दियर बीइंग अ थ्रू बिलीव हज़रत इब्राहिम टुक हज़रत हाजरा एंड हज़रत इसमाइल टु burning place where there was no water no trees to give his shade uh, their place was makkah allah was so pleased with hazrat ibrahim that no only protect hazrat Hajra and hazrat ismail but promised to make their uh, generation flourished the holy prophet hazrat muhammad sallallahu also come for the same fam same family okay ji हज़रत इब्राहिम इराक से इराक़ इराक़ को उन्होंने छोड़ दिया और इजिप्ट चले गए अपनी वाइफ सारा के साथ और फिर आपने शादी की हज़रत हाजरा से हज़रत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी उन्होंने अल्लाह दुआ की कि उन्हें कोई औलाद दी जाए उन्हें तो अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत इस्मा दिए हज़रत इस्मा की पैदाइश हुई उनके बेटे की बट उनकी जो पहली वाइफ थी हज़रत सारा वो सैड थी तो अल्लाह तकम दिया कि अपनी बीवी और बेटे को हज़रत हाज़रा हज़त बीबी हाजिर और अपने बेटे हजरत इसमाइल को ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ पर एक मकाम बताया गया वहाँ पर ना पानी था और ना ही दरख्त जिसके सय में वो बैठ सकते बट अल्लाह को उनके इस ईमान पर बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला ने उनके बीवी और बेटे की हिफाजत की यहाँ तक के आप उन्हें ऐसा ख़िताब दिया गया कि आप वसल्लम उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे Hazrat Hajra and Hazrat Ismail connected to the life where Hazrat Ibrahim had left them Hazrat Ibrahim uh, when Hazrat Ismail was a young boy Hazrat Ibrahim dreamed uh, that Allah was ordered him to uh, sacrifice his son Hazrat Ismail He therefore took Hazrat Ismail to a dis uh, district place and uh, told him to that he went to sacrifice his at the command of Allah as he was about to take his knife to cut Hazrat Ismail through Allah uh, stopped his and took his that it was a trial and that he had accepted his sacrifice insist of Hazrat Ismail Allah was sacrificed Hazrat Hajra or Hazrat Ismail हज़रत इब्राहिम से वन हजरत जब हजरत इसमाइल बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी दो और अपने बेटे को आ, आ, कुर्बान करना है हजरत इसमा को तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और जो मकाम बताया गया था वहाँ पर अपने बेटे को लेकर गए और एक नाइफ से जैसे ही आपकी गर्दन को काटने लगे ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी को कब उनके सेक्रीफाइस को बहुत पसंद किया और हज़रत इस्माइल की जगह एक लैम्प भेज दिया एक दुम्बा भेज दिया एक जानवर ठीक है वो भेज दिया और

मकाम इब्राहिम और द फुट प्रिंट ऑफ हज़रत इब्राहिम ऑन uh, स्टोन आल हिज लाइफ हज़रत इब्राहिम फॉर against evil and preached the religion of God of one God. He was asked it all king confused question, but the unbelievable. But he's always un, uh, answered them with the knowledge and were wisdom of the Allah had give him. Allah, Allah loved it, Hazrat Ibrahim so much that he later on asked it, Prophet Muhammad to follow for, follow Hazrat Ibrahim faith now. हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसम कोबे की काबा की तमीर का हुक्म दिया गया जहाँ पर लोग जिस तरफ लोग काबा की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं और उस मकाम को मकाम इब्राहिम कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हज़रत इब्राहिम के पैरों के निशान हैं एक पत्थर पर फ्रंट पर हज़रत इब्राहिम ने इस्लाम की खिलाना शुरू कर दिया जो एक खुदा पर यकीन रखता था ठीक है रखा जाता था आपने दुश्मनों के खिलाफ और बहुत मुकाबला किया ठीक है जो अगेंस्ट थे आपने जो बादशाह थे उनके कंफ्यूज्ड मतलब के हैरत अंगेज उनको परेशान करने वाले सवालों के जवाब भी दिए क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना इल्म तालीम दी थी कि इतनी नॉलेज दे दी थी कि आप उनके सवालों का जवाब दे सकते थे अल्लाह ताला को हजरत इब्राहिम से बहुत मोहब्बत थी और हजरत मोहम्मद को भी यही फरमाया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फरमाया गया कि हज़रत इब्राहिम की तरह तुम यकीन रखो

तीन मंथ के थे तो हजरत मोहम्मद ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड आपके बहुत करीबी दोस्त थे ऑफ द हॉली प्रॉफिट सिंस चाइल्डहुड आप हजरत मोहम्मद सल्ला वम के बचपन के दोस्त थे इवन बिलीव एक्सेप्टेड ही लेटर्ट लाइफ ही वॉज अ रिच मर्चन आपने जब इस्लाम कबूल किया आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातिर जबकि आप बहुत अमीर रिच एंड फैमिली से बिलोंग करते हैं नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पेज सॉरी ओके जी व्हेन द होली प्रॉफिट इनवाइटेड पीपल्स टू एक्सेप्ट इस्लाम हजरत अबू बकर वाज़ द फर्स्ट फी फ्री मेल अब एड्यूल टू बिकम अ मुस्लिम जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम को फैलाने के लिए दावत दी तो सबसे पहले हजरत अबू बकर थे जो इस्लाम कबूल किया ठीक है एक बड़े इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान हो गए आफ्टर कन्वर्सेशन हजरत अबू बकर इस्लाम अबूबकर वे मैनी कुरैश शिड एक्सेप्ट इस्लाम थ्रो हिज इफेट एफर्ट्स मैनी स्लेवर बाई देआर मास्टर फॉर एक्सेप्टिंग इस्लाम वी आर पीस एंड सेट फ्री बाय हिम अब हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी तलहा से जिस तरह पॉसिबल हो सका अपने इस्लाम को फैलाया और बहुत से नौजवान लोगरत अबू बकर के पैरों की बदौलत थी मुसलमान हुए और आपने बहुत से क्रोलेड आपने बहुत से लोगों को इस्लाम को फैलवा फैलाया और सेट बाय फ्री बाय हिम और बहुत से सेल्स मतलब के गुलामों को भी आज़ाद करवाया द होली प्रॉफिट गेव हिज हिम द टाइटल ऑफ सदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदीक का खिताब दिया बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू Conferred the uh, Prophet statement and um, Miraj. He was with the Holy Prophet at the time the migration of Makkah to Medina. He uh, paid the price of the land brought for the con uh, concentration of Masjide uh, uh, sorry uh, हजरत अब्बीक को खिताब दिया गया आप वाले वाले की से सदी का खिताब दिया गया था क्योंकि आप सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने मेराज के वाक्यो को एक्सेप्ट किया ठीक है और जब आप आप सलम के साथ मक्का से मदीना हिजरत भी करके गए साथ ही थे और आपने जगह के पैसे भी दिए अपना सब कुछ लुटा के जहाँ पर मस्जिद नब्बे की तमीर की गई वो जगह आपने खरीदी और उधर मस्जिद नब्बे की तमीर की गई इन मदीना ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बदर अहद खंडक एंड हनान ही वास प्रेजेंट वन दी टू हथबिया एंड सिंग डोनेटेड एवरी थिंग डेट है टाइम ऑफ द तबुक एक्सपेंडेशन आपने बदर ओहद खंदक की जंगों में और हनैन की जंगों में हिस्सा लिया और आपने जब डोनेशन करना था सब अपना हिस्सा दे रहे थे आपने अपना सब कुछ गज्बा तबू के मौके पर अपना निसार कर दिया इन्वेस्ट कर दिया दे दिया ड्यूरिंग हीज इलनेस द होले प्रॉफिट अपॉइंट हीज टू लीड दैचुलेशन प्रेयर्स After the death of Holy Prophet, he was elected as the first caliph of Islam by a Muslim community. He died in Medina in 13 AD at the age of 63. He was burned, uh, buried by the said of the Holy Prophet. When Uh, आपको बुलाया और मुबारकबाद दी उनकी बातें कबूल हो रही हैं जब आप सल्हम की वफात हुई उसके बाद आप सबसे पहले खलीफा थे और आपकी वफात हजरत अबू बकर की वफात, वफात मदीना में हुई और आपकी एज थर्टी सिक्स ईयर थी नाउ आई होप यू यूर यूजन इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू I hope it is very informative video for you please subscribe my channel and like my video love